हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, इस टाइम पर एक तो मेरे नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज धूप, गर्मी, तपन सब कुछ है। अब इस टाइम पर जो अडेनियम के प्लांट हैं, उन पर हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, अगर करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके बीच में लेकर आई हूं। काफ़ी तेज़ धूप है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत तेज़ दिन की धूप होती है और धूप में बहुत अडेनियम को समस्या होने लगी है। अब इस समय आजकल काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम, हमारा प्लांट इतनी तेज़ धूप गर्मी में झुलस रहे हैं, कलियां झुलस रही हैं, पत्तियां जल रही हैं, कोडेक्स में भी सनबर्न हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में हमको क्या अवॉइड करना है, कौन कौन से प्रोसेस हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट बात तो हम ये करेंगे कि अगर किसी कारणवश आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए तो हम क्या करें और कैसे करें। वैसे तो इसके रिपोर्टिंग का समय आप सभी को पता है, जनवरी लास्ट से फरवरी, पूरा फरवरी आप कर सकते हो। और अगर कभी बीच में इमरजेंसी आ गई है और आपका गमला टूट जाए या थोड़ा बहुत कहीं से रूट रॉट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होगा? तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ध्यान से समझिएगा, आप थोड़ा सावधानी से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे पौधे की रूट बॉल को बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। पौधा टूट गया है तो पूरा मट्टी सहित ऐसे उठा लीजिए और दूसरे गमले में रख दीजिए, उठाकर रिपोर्ट कर दीजिए। मतलब मट्टी वट्टी भी नहीं आपको चेंज करनी है। अब दूसरी जानकारी है कि अगर आपने इमरजेंसी में कोई प्लांट की रिपोर्टिंग कर भी ली है, तो उसको कम से कम शेड में तो बिल्कुल ही रखिए, उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। सनलाइट अगर पड़ेगी तो सॉयल मीडिया उसकी ड्राई हो जाएगी। इसकी अगर रिपोर्ट कर देंगे तो सॉयल मीडिया जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और पौधा सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। बस आप कर सकते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपको 8 से 10 दिन के लिए इसको छाया में ही रखना होगा। अब दूसरी मेन बात है ग्राफ्टिंग की। साथियों, तो अभी तेज़ गर्मी धूप हो रही है, तो आप ग्राफ्टिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कारण यह है कि अभी टेम्परेचर 40 से ऊपर हो गया है, धूप भी तेज़ है, दिन में तेज़ गर्म हवाएं भी चलती हैं, तो इस टाइम अगर आपको ग्राफ्टिंग करेंगे तो नुकसान हो सकता है, आपकी ग्राफ्टिंग जो है वो फेल भी हो सकती है। अगर आपने मान लीजिए, सपोज करिए वी ग्राफ्टिंग की है, वी कट वाली ग्राफ्टिंग की है, ऐसे वाली, तो हवा चल रही है, इसके ऊपर की ब्रांचेस जहाँ से आपने ग्राफ्ट किया है वहाँ की ब्रांच ड्राई हो जाएगी और ग्राफ्टिंग बेकार हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब तीसरी बात ये करनी है कि जो हमारी सीडलिंग है, देखिएगा जो ये छोटे छोटे सीडलिंग हैं, अभी मैंने सीड से ग्रो किया है, ये 1 महीने का बेबी है, ये भी 20-25 दिन का बेबी है, और सीडलिंग से और जो कटिंग से लगाए पौधे हैं, देखिए मैंने मार्च के महीने में इस प्लांट की प्रूनिंग की थी, थोड़ी सी एक शाखा काट के इसमें लगा दी थी। प्रूनिंग तो मैंने फरवरी में की थी, लेकिन बाद में एक ब्रांच छूट गई थी, उसको काट के मैंने इस डिब्बे में लगा दिया। ये देखिए 1 महीने में ही मेरी कटिंग ग्रो भी हो गई है और आप पास से देखिएगा इसमें छोटी सी बड्स भी आ गई हैं। तो कटिंग और बीज से इसमें भी बड्स आ गई हैं, देखिए। तो इस तरह से आप कटिंग से और सीड से लगाए हुए पौधों की कुछ
ज़्यादा अच्छे से ध्यान करिएगा, क्योंकि जो बड़े और मैच्योर प्लांट होते हैं उन पर तो ज़्यादा असर नहीं होता है, असर केवल कॉडेक्स पे होता है। तो उसके लिए आप मंचिंग कर सकते हैं, जैसे नारियल के छिलके ले लीजिए और गत्ते के टुकड़े ले लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो किसी मैट की या बोरी के टुकड़े से अपने इस कोडेक्स को कवर कर दीजिए। मैंने कई वीडियो में ढकते हुए भी दिखाया है, मेरे उधर दो तीन प्लांट रखे हैं उन पर मैंने बोरी लगा रखी है। तो कोडेक्स को ढक दीजिए ताकि सनबर्न ना हो सके, आपका कोडेक्स एकदम तरोताजा और फ्रेश रहे। पर हाँ, नई नई सीडलिंग और जो प्लांट लगाए हैं आपने, तेज धूप गर्मी से जल भी सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है, मेरी एक महीने की कटिंग ग्रो हो गई और इसमें अब छोटी सी बर्ड्स आ गई, मतलब 10 दिन के अंदर ही ये कली खिल भी जाएगी। तो इन छोटे छोटे बेबी प्लांटों को आप ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ सुबह से बस 2-3 घंटे की धूप मिले। दोपहर 1 बजे के बाद वाली भयंकर जो तपती हुई धूप होती है इन प्लांटों पर ना पड़ने पाए तो थोड़ा शेड में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप से ये जल भी सकते हैं। जो साथियों, गर्मी बहुत तेज है, हमें अपने अडेनियम पर विशेष ध्यान देना होगा, खास करके वाटरिंग का। गर्मियों में हमको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे सर्दियों में हम करते थे, एक दिन छोड़ एक दिन पानी, हफ्तों छोड़ के एक दिन पानी देते थे, वैसा गलती नहीं करना है। अब आपको अपने इस पर डेली की डेली वाटरिंग करनी है और शावर भी करा सकते हो आप, जिससे पत्तियों पर जो धूल गर्दा जमा होगा वो साफ़ हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से करेगा प्लांट, और जब भोजन अच्छे से बनाएगा तो प्लांट ग्रोथ भी करेगा और इस तरह से बूस्ट फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अडेनियम में कोई भी प्रोसेस अगर आप इस समय पर कर रहे हैं तो कोई जल्दबाजी ना करिए कि मतलब एक पौधा इधर से उखाड़ा और इधर लगा दिया, ये सब जल्दबाजी में कोई प्रोसेस ना करिए, नहीं प्लांट आपका सरवाइव नहीं करेगा और आपका प्लांट का नुकसान भी हो सकता है। जहाँ तक हो सके इस भयंकर धूप गर्मी में आप प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और ग्राफ्टिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करें। अब एक बात लास्ट में और कहना चाहूँगी कि आपकी रोजी ब्रांड, रोजी वैरायटी वाली इस तरह से गुलाब जैसे फूल अडेनियम के अगर हैं साथियों, तो इनको ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहाँ सुबह से 12 बजे तक ही धूप मिले। कोई ऐसी जगह अगर आपके पास में नहीं है तो आप थोड़े दिनों के लिए कोई टेम्परेरी जुगाड़ कर लीजिए। देखिए अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे दीवार पर धूप आ गई, तो मेरे पास तो कोई ग्रीन नेट नहीं है, देखिए मैंने थोड़ा सा घरेलू जुगाड़ कर लिया है, एक डबल बेड की चादर को तार की सहायता से इस तरह से मैंने अडेनियम प्लांट के ऊपर कवर कर दिया है। धूप बहुत तेज आती है, आती तो है हमारे प्लांटों पे, क्योंकि ये धूप का पौधा है, हमें छाई में तो रखना नहीं है, लेकिन इस पर धूप जो है इस चादर से छन कर आती है और प्लांट देखिए ये हो रहा है कि प्लांट के फ्लावर जो हैं बहुत दिन से टिके हैं। आप लगभग 20 दिनों से मेरे वीडियो में इस फ्लावर को देख रहे हैं, एक फ्लावर भी नहीं सूखा है आज तक, सारे फ्लावर तरोताज़ा हैं। तो इन रोजी वैरायटी वाले फ्लावर्स को आप थोड़ी सी शेड कर दीजिए और बारिश जैसे आए आप फिर हटा दीजिए इस कवर को, क्योंकि बारिश का पानी भी एडेनियम की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्लावर आपके जल्दी झड़ेंगे नहीं, स्पेंड नहीं होंगे, 10-15 दिन तक लगे रहेंगे एक स्तंभ। तो आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं जो हमको इस भयंकर गर्मी में नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ अडेनियम के बारे में रोज़ के रोज़ मिलती रहें।
और कई लोग कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स, मेरे साथियों, आपको जो ज़रूरत हो, जिस जानकारी की ज़रूरत हो, मेरे पिछले वीडियो आप देखते जाइए और आपको जानकारी मिलती जाएगी। धन्यवाद।